ऋत्विक हमारे साथ जुड़ गए। ऋत्विक, क्या आप, क्या रवि राणा से बातचीत हो पाई, क्या कहना चाह रहे थे आप, बिल्कुल नजदीक थे उनके? ऋत्विक वहां पर अभी मूव करें, उन तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची, दोबारा उनका हम रुख करेंगे। पंकज भी हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं, बांद्रा कोर्ट के बाहर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ऋत्विक, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ आपके पास, क्या जानकारी, क्या क्या है आपके भीतर में, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं राजू आपको कि जब रवि राणा और नवनीत राणा को बांद्रा कोर्ट ले आया गया, तब यहाँ पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद की घोषणा कर रहे थे, और इसी के कारण यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, मीडिया को पूरी तरह से कोर्ट में जाने से रोक लगा दी गई। लगभग एक घंटा तक यहाँ पर जिरह चली, और जो यहाँ पर वकील है प्रदीप घरत, जो कि सरकारी पक्ष रखने वाले थे, उन्होंने रिमांड पर पुलिस कस्टडी की मांग की थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने जो है उसे रिजेक्ट कर दी गई है। और हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि किस आधार पर यह रिजेक्ट हुई है, क्या चार्जेस जो आपने फ्रेम किए थे, क्या उसे आप कोर्ट में जस्टिफाई कर पाए, तो उस पर उनका कुछ भी कहना नहीं था। हालांकि सेडिशन का चार्ज क्यों, उसके पीछे की आधार, उसके पीछे की दलीलें क्या? जी रिजवान मर्जेंट जो राणा दंपत्ति के वकील है, उनसे हमने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आरोप लगाया गया है इसलिए क्योंकि उनका कहना ये है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की गई थी, उन पर कई तरह के झूठे आरोप राणा दंपत्ति लगातार लगा रहे थे, और उसी के चलते एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने की वजह से जो है ये सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। हालांकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये चार्ज जो है जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है सरकारी पक्ष, उसी वजह से पुलिस कस्टडी है वो रिजेक्ट हो गई है। हालांकि उसके बाद तुरंत एक दूसरा चार्ज भी लगाया गया था जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। रिजवान मर्चेंट का कहना है कि एक के बाद एक मुकदमा दर्ज कराकर राणा दंपत्ति को पुलिस कस्टडी में ही रखने की कोशिश जो है सरकारी पक्ष की तरफ से हो रही है। कोर्ट में कि ये बयान उन्होंने दिया है इसलिए हमने इन पर सेडिशन का चार्ज लगाया है? जी नहीं, उस बयान को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, ना ही कोई बयान ऐसा कोर्ट में वो पेश कर पाए, चाहे वो राणा दंपत्ति जो है वो अपनी तरफ से अपनी भूमिका रखने के लिए कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस रिलीज कर रहे थे, कुछ ट्वीट वो लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन कहीं पर भी सरकारी पक्ष इस तरह का कोई बयान जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, और शायद इसीलिए जो है उन्हें पुलिस कस्टडी नहीं मिल पाई है। जुडिशियल कस्टडी मिली है, रिजवान मर्चेंट अब भी अपनी जिरह के बाद वो कह रहे थे कि हम अपनी भूमिका मैं ऋत्विक आपके पास लौटा माफी के साथ, मैं आपको टोक रहा हूं इस वक्त। हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ जुड़ गए जो ऑर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं। पारस, वहां पर क्या चल रहा है, क्या वहीं पर लाया जा रहा है इन राणा दंपति को? राजीव, यहाँ पर जो जेल है यहाँ पर रवि राणा को लाने की आशंका है। रवि राणा जो है वो इधर ही आएंगे और इधर ही उनको जेल में ले जाया जाएगा। ये आथर रोड जेल है, जो बाइकला जेल है वहां पर नवनीत राणा को ले जाया जाएगा क्योंकि वो डेडिकेटेड लेडीज जेल है। तो यहाँ पर आथर रोड में यही आशंका लगाई जा रही है कि कुछ ही देर में जो है कुछ कोविड टेस्ट करवाने हैं, कुछ और टेस्ट जो है वो होंगे, वो टेस्ट होने के बाद जो है रवि राणा यहाँ पर आएंगे और उनके साथ साथ जो है नवनीत राणा को बाइकला जेल ले जाया जाएगा मुंबई के। वहीं कुछ ही देर पहले कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि 6 मई तक इन दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। जुडिशियल कस्टडी के साथ साथ जो है इन पे सेडिशन का केस भी जो है वो दायर किया गया है। सेडिशन का केस नॉर्मली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे केसेस जो है पेचीदा हो जाते हैं ऐसे में। तो वहीं पिछले 2-3 दिन से ये पूरा मामला तुल पकड़ता जा रहा था, तुल पकड़ते पकड़ते ये मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा। कल पूरा दिन मुंबई में अस्त व्यस्त रहा, पूरा सिचुएशन जो है वो बुरी तरीके से जो है किया गया, शिवसैनिकों ने बड़ा हल्ला किया, मातुश्री पे हो,
या फिर खार पुलिस स्टेशन पे हो, नवनीत राणा का घर हो, रवि राणा के घर के नीचे जो है वो माहौल जो है वो बहुत पेचीदा हो गया था। उसके बाद आज सबसे अहम दिन था जब कोर्ट ये फैसला लेने वाली थी, कोर्ट में जो है वो दलीलें देने जाने वाली थी कि क्या हो सकता है, क्या पुलिस कितनी कस्टडी की मांग करेगी। तो उसमें आज अहम फैसला ये आया है कि 6 मई तक राणा दंपतियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और थोड़ी देर में कुछ टेस्ट कराने हैं। मेडिकल टेस्ट होगा, साथ ही साथ कोविड का टेस्ट होगा। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद रवि राणा को बाइकला के जेल, रवि राणा को जो है आथर रोड जेल लाया जाएगा और नवनीत राणा को जो है वो बाइकला वेमेन सेल में भेज दिया जाएगा। बीच में बड़ी खबर यह है कि नवनीत राणा और रवि राणा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि देशद्रोह का चार्ज इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की। ये एक अहम खबर आपको दे दें, उन पर स्टेट मशीनरी के उनको चैलेंज करने का आरोप लगा है। और ये जो तस्वीरें आए हैं जो बांद्रा जेल से बांद्रा कोर्ट में वो गए, वहां पर पेशी आज हुई, सुनवाई वहां पर हुई और उसके बाद की ये तस्वीरें। और उसके बाद रवि राणा कुछ कहना भी चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज आई नहीं क्योंकि शीशे लगे हुए थे, विंडो क्लोज थी गाड़ी की, इसलिए आवाज बाहर नहीं आ पाई। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, आप सवाल यह है कि अब ऑप्शन क्या, विकल्प क्या है राणा दंपति के पास? अब क्या 4 दिनों का इंतजार करेंगे या सोमवार को कुछ कर सकते हैं, मंगलवार को कुछ कर सकते हैं? आज तो चूंकि रविवार है तो कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। जी देखिए, जब तक वैसे भी सरकारी पक्ष रिप्लाई नहीं फाइल करता यानी कि जवाब नहीं देता तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो सरकारी पक्ष को तो वैसे ही 27 तारीख तक का समय मिला हुआ है, तो 27 तारीख के बाद जब रिप्लाई फाइल हो जाएगा, ये अगर खुद अब राणा जो कपल है उनके खुद वकील जो है, अगर मान लीजिए वो कुछ रिजॉइंडर देना चाह रहा हो, कुछ भी चाह रहे हो, वैसे जनरली रिजॉइंडर होता नहीं लेकिन अगर मान लीजिए वो कुछ उस पर और कहना चाहें, तो ये सारी जो चीजें हैं कागज के आदान प्रदान का जो समय है वो 27 तारीख को है और उसके बाद 29th को हियरिंग है, तो उससे पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये तय है। यहाँ तक कि अगर वो चाहें तो किसी और अदालत में चले जाएं, ऊपर की अदालत में चला जाए, ये भी नहीं होता क्योंकि जब तक निचली की अदालत इस पर निर्णय नहीं लेता, निचली अदालत, तब तक वो ऊपर की अदालत भी नहीं जा सकते। और निचली अदालत ने जब कह दिया है कि 29 को 29th को ये हियरिंग होगी, तो 27th जब रिप्लाई आ जाता है तो हो सकता है अगर मान लीजिए उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हुआ, मतलब कुछ कोई अगर पेचीदगी आ गई, तो हो सकता है कि उनके वकील यहां फाइल कर दें फॉर एन अर्ली हियरिंग ताकि जल्द से जल्द हियरिंग हो। लेकिन जनरली जब कोई अदालत आदेश देता है कि अब इसकी सुनवाई 29th को होगी, तो जनरली वो वही तारीख को 29th को ही, क्योंकि 29th जो तारीख है वो एक नॉर्मल दिन है, वो एक हॉलीडे कोर्ट नहीं रहेगा। यहाँ जिस अदालत के सामने आज पेश किया गया था वो जज वहाँ वो नहीं रहेंगे, वो शिवड़ी कोर्ट से आ जाए थे, ये दूसरे जज जो यहाँ के एक्चुअल जज हैं वो रहेंगे और उनके सामने जिरह होगी। तो जाहिर सी बात है कि 29 तक का जो समय है वो तो तय है कि उससे पहले 29 तक उनको इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन रितमिक, एक सवाल ये कि राणा दंपति ये कह रहे थे कि हम अपनी बात पर अड़िंग हैं, हम नहीं करेंगे, हम जमानत याचिका दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन 29 को करेंगे। आखिर क्या हुआ कि उन्होंने इरादे बदले और बेल एप्लीकेशन दायर करने का सोचा गया? जी राजू, ये सवाल जब राजीव मर्चेंट को भी पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जब उन पर 153A ये सेक्शन दर्ज किया गया था जो कि समाज में टेढ़ निर्माण करना, इस प्रकार का आरोप उन पर लगाया गया था, तो तब तक वो अपनी भूमिका पर अड़िग थे। उनका कहना था कि ऐसा कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया है, ना ही ऐसी कोई कृति उन्होंने की है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो अड़िग थे कि हम बेल एप्लीकेशन करेंगे ही नहीं क्योंकि गिरफ्तारी जो है वही अवैध है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, हम कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मांगेंगे। हालांकि हमारी सहयोगी विद्या भी बता रही है कि एक तरह का पॉलिटिकल स्टैंड था जो कि कोर्ट में स्टैंड नहीं होता, टेक्निकल ग्राउंड्स पे स्टैंड नहीं होता। अगर जुडिशियल कस्टडी मिलती है तो आगे उन्हें बेल एप्लीकेशन करनी पड़ती है, तब जाकर रिजवान मर्चेंट ने ये साफ किया कि उन पर और भी दूसरी धाराएं लगाई जा रही थी जो कि झूठी थी और उसी के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक के बाद एक अगर इसी तरह वो मुकदमा दर्ज करते जाएंगे और अपनी कस्टडी में राणा दंपति को रखने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग अगर वो करेंगे तो हमें बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसी के तहत उन्होंने बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है।